नल का जल का योजना है। इसके अंतर्गत स्वच्छ और शुद्ध पेयजल ग्रामीण जनता को उपलब्ध कराना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर रही है। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लेकर, नल जल योजना को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया। यहां से देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर पीडीएफ फाइल दिखाई दे रहा है, जो कि डेट की बात कर ले तो 5 अप्रैल 2023 को यानी कि नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। देख सकते हैं 5/4/2023 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। अब चलिए इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी क्या नई अपडेट निकल कर रही है। तो वीडियो में तक बने रहेगा हमेशा की तरह और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर वही नोटिफिकेशन दिखलाई दे रहे, जो कि 5 अप्रैल 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ से देख सकते हैं बताया गया है नोटिफिकेशन में क्या जानकारी दिया, बताया गया दिनांक 17/3/2023 के अपर सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में दक्षिणी बिहार के जिले के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही की गई। ठीक है, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, दक्षिण बिहार के जो जिले हैं, अगर आप उत्तरी बिहार के जिले से आते हैं तो भी आपके लिए वीडियो यूजफुल है। क्या क्या नई जानकारी है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और जो दक्षिण बिहार के जिले हैं उनके लिए तो यानी कि जो जारी किया गया मुख्य जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं और साथ से जिला पंचायती राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो विभिन्न योजना है उस पर कार्रवाई की गई है। जो बात किया गया जैसे तो फर्स्ट में बताया गया बैठक में उपस्थित पदाधिकारी को सूची निम्न होते हैं, यानी जो भी बैठक में उपस्थित है पदाधिकारी उनका ये लिस्ट है, यानी उनका नाम है, आप यहाँ से देख सकते हैं और नाम पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। चलिए शॉर्टकट तरीके से हम आपको बताएंगे। जैसे बताया गया श्रीमती कल्पना कुमारी जो अनुसरण पदाधिकारी हैं और श्री गोविंद चौधरी जो उप सचिव हैं। इस तरह आप देख लीजिए कौन कौन से व्यक्ति उपस्थित थे। दूसरे में बताया गया अपर सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारी को स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और जिला परिषद को प्रत्येक मासिक बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, यानी जो दूसरे में निर्देश दिया गया है यानी किन को देख सकते पदाधिकारी को स्वागत करते हुए बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई है और साथ साथ सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा जिला परिषद को प्रत्येक मासिक बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, विभाग की तरफ से यानी कि जो भी यानी होते हैं जिला परिषद के प्रत्येक मासिक बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। तीसरा में बताया विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। तो पहला निर्देश जो दिए गए हैं किसके लिए, तो देख सकते हैं पहला निर्देश दिया गया बताया गया मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना की समीक्षा की गई। ठीक है, जो पहला समीक्षा की गई है सोलर स्ट्रीट योजना को लेकर की गई है, इसमें क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है विभाग की तरफ से बताया गया है। सोलर स्ट्रीट योजना में शीघ्रता लाने के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक शीघ्र करा लें। प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक वार्ड में सोलर लाइट योजना प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि मुखिया प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी तथा संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव की बैठक बुलाकर योजना में शीघ्रता लाने का निर्देश दिया गया है। एमएक्स सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड का कार्य किसी भी जिले में संतोषप्रद नहीं है, इस योजना का नीचे सॉफ्टवेयर एंट्री कराने का निर्देश दिया गया। ठीक है, यानी जो निर्देश दिया गया पहला निर्देश दिया गया सोलर स्ट्रीट योजना को लेकर दिया गया, जो कि एमएक्स सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड का कार्य किसी भी जिले में संतोषप्रद नहीं है, इस योजना का जो कार्य हुआ है कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है और इसका जो पंचायत नीचे सॉफ्टवेयर जो पोर्टल बनाया गया उस पर निर्देश दिया गया कि उस पर एंट्री कराया जाए। ठीक है, बताया गया जैसे अनुपालन सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ये दिया गया। तो दूसरे नंबर निर्देश दिया गया दे सकते दूसरे नंबर क्या दिया गया, दूसरे नंबर बताया गया RGSA के अंतर्गत 493 ग्राम पंचायतों को पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु कुल आवंटित राशि जो दिया गया 71.20 करोड़ रुपये का विरुद्ध खर्च का आवंटन स्थिति दिए गए। ठीक है, दूसरे नंबर बताया गया जिलावार समीक्षा की गई है कि समीक्षा में पाया गया है कि नवादा रोहतास मुंगेर गया कैमूर एवं भागलपुर जिलों द्वारा राशि का न्यूनतम व्यय किया गया है जो संतोषजनक नहीं है, उक्त जिला का जिला पंचायती राज पदाधिकारी को शीघ्र कार्य प्रगति पर राशि खर्च कराने का निर्देश दिया गया। ठीक है, इतना पैसा तो जारी किया गया है जो भी पंचायत सरकार भवन बनाने को लेकर यानी रोहतास जिला मुंगेर जिला गया जिला कैमूर और भागलपुर जिले का राशि का न्यूनतम व्यय किया गया जो संतोषजनक नहीं है, उक्त जिला का जिला पंचायती राज पदाधिकारी को शीघ्र कार्य प्रगति कर राशि खर्च कराने का निर्देश दिया गया कि आप जल्द जल्द यानी जो भी पंचायत सरकार भवन है इस जिले में जल्द जल्द बनवाए। ठीक है, यानी कि वो भी यानी सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अनुपालन करना है यानी बताया गया।
तीसरे नंबर स्क्रोल डाउन करेंगे तो तीसरे नंबर वही पंचायत सरकार भवन से रिलेटेड जानकारी दिया गया है। पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु राज्य योजना के मद से आवंटित राशि के विरुद्ध जिला द्वारा व्यय की गई राशि का उत्तर स्थिति की समीक्षा की गई है। बताएगा जिले की बात करें जिला लखीसराय मुंगेर शेखपुरा गया नवादा एवं पटना द्वारा अभी तक इस मद में राशि व्यय नहीं की गई है। सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि इस मद में शीघ्र राशि का व्यय किया जाएगा। ठीक है, इस राशि में जो इस जिला के बात किया गया इस जिला में अभी तक राशि का निर्देश नहीं दिया गया तो पंचायती राज विभाग की तरफ से राशि शीघ्र यानी जारी कर दिया जाएगा इसमें जिले में यानी कि पंचायत सरकार भवन बनाने को लेकर। ठीक है, ये बताया गया अनुपालन जो करेंगे श्रीमती कल्पना कुमारी जो अनुसरण पदाधिकारी है और सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी है। ठीक है, वहीं पर जो बात करेंगे तो वाटर कंट्रोल उनके जो भौतिक सत्यापन होना है यानी जो प्रत्येक TAT को 15 दिनों में योजना का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है यानी कि चौथे नंबर बात किया गया है अगर TA अवकाश है तो उनकी जगह पर दूसरे TA की योजना का सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया। जिला बक्सर औरंगाबाद भोजपुर नवादा एवं पटना में नॉन फंक्शनलेशन योजना की संख्या ज़्यादा है। निर्देश दिया गया कि सभी नॉन फंक्शनलेशन की योजना शीघ्र चालू करें। ठीक है, यही जानकारी दिया। तो बहुत सारे यानी नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, यहाँ से देख सकते हैं। पहुंचे नंबर बताया गया मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निचय योजना के अंतर्गत वार्ड क्रिमिनल एवं प्रबंधन समिति यानी PRDWMC की राशि हस्तांतरण हेतु दिया गया है। बताया गया जिला गया भागलपुर नवादा पटना एवं रोहतास जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निचय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के अंतर्गत सतत पेयजलापूर्ति व्यवस्था का संचालन हेतु आवंटित राशि के विरुद्ध जिले द्वारा वार्ड क्रमण एवं प्रबंधन समिति के शीघ्र हासिल हस्तांतरण कराने का निर्देश दिया गया। शेष जिले को अपनी यहां उपलब्ध राशि का शीघ्र हस्तांतरण करा दिया जाए। ठीक है, तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है तो हम पढ़ने लगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके नोटिफिकेशन लेकर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं क्या क्या नई नई अपडेट दिया गया है। अब यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं बहुत सारा निर्देश दिया गया है सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को यानी जो भी दक्षिण बिहार के जिले आते हैं उनको लेकर। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा शेयर कर ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारा जानकारी दिया गया। देख सकते हैं वहीं बताया गया सार्वजनिक कुओं का जोरदार हेतु सोखता निर्माण का दिया गया है, इसमें निर्देश दिया गया। बताया गया सार्वजनिक कुओं का जोरदार जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। इस योजना का मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा की जाती है। अतः निर्देश दिया गया कि सभी जिलों में संशोधित लक्ष्य के अनुरूप योजना का 100% पूर्ण करा ले। जिला बक्सर कैमूर नवादा एवं रोहतास में पूर्ण योजना का 100% कम है। ठीक है, यानी इतने जिलों में जो जल जीवन हरियाली के तहत जो कुआं का यानी कि जोरदार कराया जाता है वो कम है तो अधिक से अधिक यानी करा ले जो अनुपालन किया गया सभी जल पंचायती राज पदाधिकारी को यानी जो भी ये पंचायती राज पदाधिकारी है कहाँ के जिला बक्सर कैमूर नवादा एवं रोहतास के पूर्ण योजना का 100% कम है जो कि अच्छी तरह से करा ले अच्छी